मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 से पद्य भाग में से पांचवा कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जो प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत। यह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि और नाटककार कहे जाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहला ज्ञानपीठ अवार्ड या पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा इस कृति पर 1969 में चिदंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे प्रकृति प्रेमी होने के कारण पर्वत प्रदेश में यानी पर्वत के क्षेत्र में किस प्रकार पावस यानी वर्षा ऋतु है, वर्षा काल है, किस प्रकार पर्वत को हरा भरा बना देता है, स्वयं पाठकों को कल्पना में डुबोए देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाठकों को कल्पना की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रेम जो है उसका आस्वादन केवल कल्पना में आपको मिल जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कल्पना जो है उसका सजीव चित्रण जो है सुमित्रानंदन पंत आपके सम्मुख रखने का यहाँ पर प्रयास किया है। पिछले वीडियो में हमने पहली पंक्ति का जो है विवरण किया, वहाँ पर आपने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र है, वर्षा ऋतु में वहाँ पर जो है लगातार वर्षा होती है तो पर्वत जो है हरा भरा हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं हरा रंग में परिवर्तित होता है। और कवि कहता है कि सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के प्रेमी हैं वे कहते हैं कि जब पर्वत जो हैं हरा भरा होता है वर्षा के कारण, वहाँ के फूल जो हैं खिल जाते हैं, हजारों हजारों फूल जो हैं वह आँखों की तरह लगते हैं, और वह पर्वत के नीचे जो तालाब है उसको निहारते हैं। ऐसे जो है सुंदरता से पहले पंक्ति में उन्होंने वर्णन किया है। उसके साथ साथ जो तालाब है वह स्वच्छ और साफ है, वह जो दर्पण की तरह यानी शीशे की तरह वह दिख रहा है, पर्वत की छाया जो है प्रतिबिंब जो है उसमें दिख रहा है, ऐसे वर्णन जो है कवि ने यहाँ पर किया था। तो पाठकों को यही बता रहे हैं कि प्रकृति से लगाव जो है बनाए रखना है, प्रकृति के कारण ही आप अच्छे स्वच्छंद रूप से जी सकते हैं, प्रकृति को विनाश नहीं करना है, उसे प्रकृति को बढ़ाने में आपको प्रोत्साहित करना है सभी को। प्रकृति से आपका मन का जो दुख दर्द है वह प्रकृति का जो आप एक बार सौंदर्य को निहारेंगे तो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। किस प्रकार उन्होंने सुमित्रानंदन पंत ने वर्णन किया है, एक क्षण आप भी प्रकृति की ओर बढ़ने की, प्रकृति को देखने की, पर्वत श्रेणियों को देखने की जो आपके मन में लालसा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सुमित्रानंदन पंत ऐसे ही वर्णन किया है इस पर्वत पावस में।
जो है आप देख सकते हैं पर्वत प्रदेश में पावस। इससे आपको कहीं ना कहीं ऐसे मन ललचाता है कि मैं भी जाकर जो है पर्वतों की सौंदर्यता को निहारूं। तो आप जब भी आपके छुट्टियों के दिन होंगे प्रकृति की ओर जहाँ भी जो हैं आप जाकर आइए और उसका सौंदर्य जो है आप में अनुभूति कीजिए। तो उसी प्रकार अब हम दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। पीछे आप दूध सागर जो गोवा के राज्य में स्थित है और कर्नाटक से जैसे बेलगावी जिला से जो है लगा हुआ है यानी जो सीमा में आ जाती है। तो यहाँ पर दूसरा पंक्ति का हम अब विवरण करेंगे। गिरी का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के ऊर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। तो प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत प्रकृति की जो असीम सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों का थोड़ा बहुत शब्दार्थ देखेंगे। गिरी यानि पर्वत, पीछे आप देख सकते हैं पहाड़। गौरव यानि महिमा बड़ाई। मद दूसरे लाइन में है, देखिए मद यानि मस्ती। नस नस यानि रग रग में। उत्तेजित यानि भड़काया हुआ यानि उच्चेदित यानि उत्साहित करना। उसी प्रकार तीसरे लाइन में लड़ियों यानि लड़ी यानि माला श्रृंखला जो है माला यानि पर्वतों की पहाड़ों की श्रृंखला कह सकते हैं। और पांचवे लाइन में झरता है झरते यानि झरता यानि गिरता। झाग भरे निर्झर यानि झरना जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटक में भी आप जो है जोग जलपात को देख सकते हैं जो झरना बहुत बड़ा झरना है। तो झाग भरे झरने यानि यहाँ पर दूध जैसे जो है झरने को आप देख सकते हैं, जो है दूध सागर भी दूध की तरह दिखता है। गिरिवर यानि ऊंचा पर्वत। उर यानि हृदय। उठ उठ कर यानि उठना। उच्च कांक्षा यानि ऊंचा उठने की इच्छा। ऊंचा उठने की इच्छा जो है आकांक्षा यानि इच्छा। तरुवर यानि तरु यानि जो पेड़ होता है, तरुवर यानि पेड़ है जो दूसरे लाइन में। तीसरे लाइन में नीरव यानि मौन या शांत। नभ यानि आकाश या क्षितिज कह सकते हैं। अनिमेश यानि जो आठवें लाइन में आप देख सकते हैं, अनिमेश यानि एक टक बिना पलक झपकाए यानि जब कब ऐसे करते हैं जब आपको आश्चर्यचकित होता है तब। अटल अटल यानि सदा बना रहने वाला न टलने वाला यानि स्थिर कह सकते हैं अटल रहना। कुछ चिंता पर यानि चिंतित चिंता में मग्न ऐसे आप कह सकते हैं। तो अब इन पंक्तियों की जो है आपने शब्दार्थ जान लिया। अब हम कवि की आशय को स्पष्ट करेंगे। इससे पहले इसकी सहानुभूति करते समय आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि आप भी प्रकृति के मध्य बसे हुए हैं। आपको कल्पना करते हुए इस कविता का आस्वादन करना है। कवि कहता है, पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हैं यानी श्रृंखला। देखिए यहाँ पर जो झरने का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पर छाती पर
यानी एक पर्वत को शरीर के रूप में देखा हुआ है और ये झरने जो उसके ऊपर से आते हैं तो यह छाती के ऊपर से बहते हुए दिख रहे हैं। जो दूध जैसे लगने वाले झरने, ये दूध सागर का ही एक चित्र है। यहाँ पर मनोरम लगते हैं यानी आकर्षित बनाते हैं, मोतियों की लड़ियाँ जैसे, लड़ियाँ यानी श्रृंखला, जो मोतियाँ कैसे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं उसी प्रकार ये झरने का जो पानी है सफ़ेद लग रहा है, श्वेत लग रहा है, उनकी श्रृंखला जो है नीचे गिर रही है मोतियों की, ऐसा वर्णन जो है इस पंक्तियों में किया गया है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर, यहाँ पर सुंदर अप्रतिम आपको दिखने को जो है यहाँ पर मोतियों को आप देख सकते हैं। ये जोग जलपात है जो कर्नाटक में स्थित है। देखिए यहाँ पर आगे कहते हैं, ये झरझर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के प्रेमी, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जब पर्वत से ऊपर से झरना जो पानी गिरता है तो उसमें झन झन झर झर का आवाज़ आता है। इससे आपको ये कहने की, उस झर झर ध्वनि के माध्यम से ये कहने की प्रयत्न कर रहे हैं कि जो पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, प्रकृति का गुणगान कर रहे हैं। देखिए आसपास कोई नहीं है, कोई आपका वहाँ पर जो है कोई मोटर या साइकिलों का आवाज़ नहीं है, तो उस ध्वनि को सुनिए, कितना मधुर ध्वनि होती है। झर झर झरने की आवाज़ से आपका जो कान है वो पावन हो जाते हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना भर जाती है। देखिए यदि आप एक ही जगह पर बैठकर जीवन बिताएंगे तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। प्रकृति को प्रेम करने में आपका जो सार्थकता, एक एक लोग जो हैं अपना सारा जीवन प्रकृति की ओर आकृष्ट होते हैं। आपको भी इस सौंदर्य को जो है अनुभूति करना है। कभी आप जाकर देखिए झरनों को वगैरह देखिए, वह उसकी प्रकृति की जो सौंदर्य है आप देखने से आपके नस नस रग रग जो हैं उत्तेजित होते हैं, फिर से उत्तेजित होते हैं। ऐसे यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत आपको कह रहे हैं। वे उस उत्साह और उमंग से होतप्रोत हो जाते हैं, यानी जो छा जाना उत्साह और उमंग। देखिए यदि आप कोई, आपके मन में कोई बात बैठ गई है, आपको दुख दर्द हो रहा है, तो कृपया करके आप प्रकृति की ओर वहाँ पर जाकर आइए। प्रकृति के झरने हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको देख कर आइए, आपका मन जो है परिवर्तित होता है। आपका मन में उमंग उत्साह जो है नस नस में उत्तेजित होते हैं। इन सबको देखने को जीने की एक नई सी उमंग आपके मन में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत आप पाठकों के सम्मुख रखने का कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति का जो पूरा वर्णन यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो गिरने वाली जो बूंदे हैं, वह जो झरने में गिरने वाले पर्वत के ऊपर से, देखो इन्होंने पर्वत को ही एक मानव का शरीर का छाती जो है कह दिया। छाती के ऊपर से बहने वाले ये झरने जो हैं मोती के तरह जो है श्रृंखला से जो क्रमबद्ध से गिरते हुए दिख रहे हैं। ऐसे यहाँ पर इस सब को देखने से, सौंदर्य को अनुभूति करने से आप में उत्तेजना, नस नस में उत्तेजना भरती है, आपको उस उत्साह और उमंग को छा जाती है यानी होतप्रोत हो जाती है। ऐसे यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, पहाड़ की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षा के समान लंबे हैं। देखिए वहाँ पर पर्वत के ऊपर से उगकर झरने जो उगकर यानि उगम होकर वह वृक्ष के नीचे जो गिर रहे हैं, यानि पहाड़ के नीचे से उसके
जो नीचे अग्रसर हो रहे हैं, ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंता लीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हुए हैं। तो जो बगल में या आसपास जो पेड़ हैं वह स्तब्ध हुए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं, वो इस रहस्य को जानने में, या अटल, अटल यानि अडिग जो हैं वह खड़े हैं और एक टुक उन झरनों को वगैरह देख रहे हैं कि इस प्रकृति की सौंदर्य को, रहस्य को जानने में या सुलझाने में लगे हुए हैं। तो मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को दूसरे पंक्ति में यह समझना है कि पर्वत के जो झरने हैं, पर्वत को एक शरीर का, छाती का अंग दे दिया और उसमें बहते हुए जो झरने हैं वह मोतियों की तरह लग रहे हैं, और यो जो है, और यह सब देखने से जो है मानव के मन में जो है नस नस में उत्तेजना भर जाती है और नया उत्साह और उमंग जो है वो उत्प्रोत होता है। इन सब को जो है वहाँ के पेड़ जो हैं एक टुक देख रहे हैं और ये सौंदर्य, प्रकृति की सौंदर्य को सुलझाने में या रहस्य को भेदने में वह प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार दूसरे पंक्ति में इन्होंने जो है प्रकृति का वर्णन जो है पर्वत या पहाड़ और झरनों के माध्यम से कहने की, यहाँ पर जोग जलपात के पास आप देख सकते हैं जो है पानी, झरने से पानी नीचे गिर रहा है तो धूप के वजह से वहाँ पर इंद्रधनुष की छाया जो आप वहाँ पर देख सकते हैं सात रंगों की। तो इस प्रकार आज हमने दूसरी पंक्ति का, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित दूसरी पंक्ति का विस्तृत अध्ययन किया। कल हम अगले वीडियो में उसकी तीसरी पंक्ति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।